हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि और पूजा सामग्रियां अलग अलग तरह की होती हैं। मगर हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम बिना गणेश भगवान की पूजा करे या आरती उतारे शुरू नहीं की जाती है, क्योंकि गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता की उपाधि प्राप्त है। इसलिए हर शुभ कार्य करने से पहले उन्हें याद किया जाता है। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन खास है और उसका अलग अलग महत्व है। बुधवार का दिन जहां बुध ग्रह से संबंध माना जाता है, वहीं शास्त्रों में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। मान्यता तो यह भी है कि बुधवार के दिन ही विघ्नकर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। और आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि भगवान गणेश की पूजा में दुर्वा घास जरूर चढ़ाई जाती है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि आखिर भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों चढ़ाते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि एक पौराणिक कथा के अनुसार अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। अनलासुर का आतंक चारों तरफ फैला था। इस दैत्य के आतंक से सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस को मार नहीं पा रहा था। तभी सभी देवता अनलासुर के आतंक से त्रस्त होकर भगवान गणेश की शरण में गए। तब भगवान गणेश ने अनलासुर को निगल लिया था। अनलासुर को निगल लेने के कारण भगवान गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। उनकी इस जलन को शांत करने के लिए मुनियों ने उन्हें खाने के लिए दुर्वा घास ही दी थी। इसे खाते ही भगवान गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा में उन्हें दुर्वा चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश की पूजा आराधना में दुर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। पूजा में दुर्वा का जोड़ा बनाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि दुर्वा घास के 11 जोड़ों को भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। दुर्वा को चढ़ाने के लिए किसी साफ जगह से ही दुर्वा घास को तोड़ना चाहिए। गंदी जगहों से कभी भी दुर्वा घास को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के उपरांत यह घी गुड़ गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन व खुशहाली आती है। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो घर के मंदिर में सफेद रंग के गणपति की स्थापना जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।